हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग बना रहे हैं आलू पापड़ी और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको एक बार बना के महीने भर इसको खा सकते हैं। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए और इसका मज़ा लीजिए। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा दबाया तो ये कितने अच्छे से टूट गई। तो ये काफ़ी जल्दी भी बन जाती है और बच्चे इसको खाना काफ़ी पसंद करते हैं। आप लोग एक बार अपने बच्चों को ये खिलाएं तो बच्चे बाहर का चिप्स, कुरकुरे सब खाना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू पापड़ी बनाना। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जो कि मैंने बॉईल करके छिकल निकाल लिया था। और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो हमें इसको कद्दूकस करना है, मैश नहीं करना है, क्योंकि मैश करने से छोटा बड़ा साइज़ रह जाता है और कद्दूकस करने से बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसका डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं क्वांटिटी। और इसमें मैं 1 कटोरी चावल का आटा मिला लूँगी। तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि इससे क्रिस्पीनेस बनी रहती है और काफ़ी क्रंची बन के रेडी होते हैं। और टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डालिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। और मैं बच्चों के लिए डाल रही हूँ इसलिए कम इसमें डाल रही हूँ, आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे कलर भी अच्छा आएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगी। और ये मैंने डाला रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा अजवाइन, इसको मैं हाथ से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। और चाट मसाला हम इसमें डाल देंगे। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और इससे स्मेल, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चाट मसाला इसमें आप डालिए, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल, और इसमें 4 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें आलू डालेंगे तो ये बिना ऑयल के भी अच्छी बनती है, बट ऑयल डालने से थोड़ा क्रिस्पी बन जाएंगे। तो हम इसको अच्छे से मोइन लगा लेंगे, इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे आटे को मसलते हुए। देखिए, तो ये अच्छे से मोइन लग गया है इसका। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और आलू की क्वांटिटी हमने जितना हमने मैदा रखा है उसी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर आलू रखने हैं। तो देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है जितना अच्छा हो सके, और इसी से इसका डो लगा के रेडी कर लेना है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे पानी डालने की तब आप इसमें पानी ऐड करिए, अदरवाइज़ आलू से ही इसका डो लग के रेडी हो जाता है, क्योंकि आलू में काफ़ी नमी होती है। तो ये देखिए, मेरे को यहाँ पर थोड़ा लगा कि मेरे को इसमें पानी मिलाना है, तो मैंने थोड़ा सा इसको लगाया और इसका डो बना के मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे से इसको एक बार फिर से हम इसको पंच कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक देंगे, ताकि जो हमारा डो है अच्छे से सेट हो जाए। तो आप लोग भी इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो था जो अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और अच्छे से एक बार इसको फिर से मसल देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और हम इसकी एक लोइया लेंगे और उसको छोटा सा बेल लेंगे, जैसे हम पूरी का शेप लेते हैं बस उसी तरह से हमको इसको बेल लेना है ऑयल लगा के। तो इसका साइज़ आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस हिसाब की आपको पापड़ी चाहिए। तो और ये ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि फोक से आप इसमें छेद कर देंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो पूरियाँ हैं वो फूल जाएंगी, तो छेद करने से फूलेंगी नहीं। तो ये देखिए, तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, और इसमें हम इसमें अपने पूरियाँ डालते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन रही हैं। और अगर मैं इसमें छेद नहीं किया होता तो ये फूल जाती, इसलिए छेद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए,
बहुत टेस्टी होती है। और देखिए आप लोगों ने कितना जल्दी ये बन जाती है। जितना टाइम एक रोटी लेती है बनाने में, एक चपाती लेती है, उसी टाइम में हमारी पापड़ी बनके रेडी हो जाती है। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, बस गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी पापड़ी बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हम लोगों ने सारी की सारी पापड़ी बना के रेडी कर ली थी और ये बहुत जल्दी बन गई और ये काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, ये देखिए मैंने इसको आपको पूरा तोड़ के दिखाया। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।